गॉड्स ट्रू लाइट, परमेश्वर की सच्ची ज्योति। हमारे इस प्रोग्राम में हम आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर के पवित्र वचन मनुष्यों से बातें करते हैं और उसका वचन अनंत जीवन का सोता है। हमारी प्रार्थना है कि आज का ये संदेश आपके दिल को आनंद और प्राण को तसल्ली दे। अब पास्टर विजय चेरीकुरी आपको परमेश्वर के वचन से एक और नया सत्य बताएंगे। ग्रीटिंग्स टू यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को अभिवादन। थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम टू वॉच आवर प्रोग्राम गॉड्स ट्रू लाइट। परमेश्वर की सच्ची ज्योति हमारे इस प्रोग्राम को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज इनवाइट योर फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स टू वॉच दिस प्रोग्राम। आप अपने परिवार के सदस्य, सगे संबंधियों और दोस्तों को इस प्रोग्राम को देखने के बारे में प्रोत्साहित करें। वी आर प्रेजेंटिंग द मैसेजेस दैट गॉड आस्क्ड टू प्रीच एंटायर वर्ल्ड Before it comes second time. हम उन संदेशों को बता रहे हैं जो परमेश्वर ने पूरे संसार से कहा है कि अंतिम से उसके आने के पहले हमें इस संदेश को सभी को बताते चले जाना है। God may richly bless you as you hear word of God. जैसे आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। Before we begin, we ask God's blessings. आइए संदेश शुरू करने के पहले हम परमेश्वर से आशीष मांगे। Let's pray. आइए प्रार्थना करते हैं। Loving Father in heaven, we have come to thy presence to preach thy word. स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, हम तेरे उपस्थिति में आते हैं तेरे वचन को प्रचार करने के लिए। डियर गॉड, योर वर्ड हैज अ पावर टू चेंज पीपल्स हार्ट्स। पिता परमेश्वर, तेरे वचन में सामर्थ्य है कि लोगों के दिल को बदल दे। एज आई एम स्पीकिंग, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू पोर आउट योर होली स्पिरिट अपॉन मी। और जैसे कि मैं अभी इस समय प्रचार कर रहा हूँ, प्रभु विनती करता हूँ कि अपनी पवित्र आत्मा को मुझ पर उंडेल दे। आई एम डर्ट, आई एम नॉट वर्थी टू स्टैंड बिफोर योर लॉर्ड। प्रभु मैं तो धूल हूँ और मैं इस योग्य नहीं कि तेरे सामने खड़े रह सकूं। But you made me worthy through your son Jesus Christ. लेकिन प्रभु तूने मुझे अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा योग्य बनाया है। Use me mightily for your cause. और मुझे अपने सामर्थ्य, अपने काम के कारण सामर्थ्य रीति से उपयोग कर प्रभु। I pray these blessings in Christ's name. यीशु के नाम में इन सारी आशीषों को मांगता हूँ। Amen. Amen. Our topic is. हमारा विषय है. How to maintain the righteousness. कैसे धार्मिकता को बनाए रखें? God grants us righteousness. And he helps us to maintain it. परमेश्वर हमें धार्मिकता देता है और वो हमारी मदद करता है कि हम उसे बनाए रखें। But what we have to do to maintain the righteousness that God grants us? परमेश्वर हमें जो धार्मिकता देता है, उस धार्मिकता को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? What is our subject? हमारा विषय क्या है? How to maintain the righteousness? धार्मिकता को हम कैसे बनाकर रखें? Before we know how to maintain the righteousness. We should know what is righteousness. इसके पहले कि हम ये जाने कि धार्मिकता को कैसे बनाए रखें, हमें ये जानना होगा कि धार्मिकता क्या है। Righteousness is a state of being without sin. और धार्मिकता तो ऐसे रहने की अवस्था है जिसमें कोई पाप ना हो। Or we can say righteousness is absence of sin. या हम ये कह सकते हैं कि धार्मिकता का मतलब है वहाँ पर पाप नहीं है। We receive righteousness from God without paying anything except Through confession and repentance. हम परमेश्वर से धार्मिकता प्राप्त करते हैं, उसके बदले में हमें कुछ नहीं देते, हम उसे कुछ नहीं देते हैं, केवल बस अंगीकार करते हैं, पश्चाताप करते हैं। When we repent and confess all our sins, Christ forgives our sins and he grants the righteousness. जब हम पश्चाताप करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करते हैं, पापों का अंगीकार करते हैं, तो निश्चय प्रभु यीशु मसीह हमें सारे पापों को क्षमा करके हमें धार्मिकता देता है। We call it in biblical terminology justification. हम इसे बाइबल के शब्दों में कहते हैं धर्मी ठहराया जाना। जस्टिफिकेशन इज मोमेंटरी। और देखा जाए तो धर्मी ठहराया जाना ये पल भर का होता है। वी कैन बी मेड राइचियसनेस और सेव्ड इन कपल ऑफ मिनट्स, बट इट इज डेली एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस टू मेंटेन इट। हम तो पल भर में ही या कुछ मिनटों में ही उद्धार पा सकते हैं, धर्मी बनाए जा सकते हैं, लेकिन उसे बनाए रखना ये पूरे जीवन भर हर एक दिन का काम है। Do you understand what I am saying? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? We will be saved or we will be made righteousness within no time, but it is a lifelong process to maintain it. हम तो बस कुछ ही पल में उद्धार पाते हैं, धर्मी बनाए जाते हैं, लेकिन उसे बनाए रखने के लिए पूरे जीवन भर काम करना पड़ता है। We call it sanctification. हम इसे शुद्धिकरण कहते हैं। One has to maintain the righteousness that God has granted him. परमेश्वर ने जो हमें धार्मिकता दी है उसे हमें बनाकर रखना है। There is a wrong theology that says Once saved is saved always. देखिए, एक गलत तरह की विचारधारा है कि बस एक बार उद्धार पा लिया तो हमेशा के लिए उद्धार पा लिया, जो करना है करते बैठे। There is no biblical evidence
for that doctrine at all. इस तरह के सिद्धांत के लिए बाइबल में कोई भी सबूत नहीं है. Paul says in Philippians 2:12. फिलिपियों 2:12 में पॉलुस इस तरह से कहता है. We will read that. हम इसे पढ़ते हैं. Philippians chapter 2 verse 12. फिलिपियों अध्याय 2:12 में. Continue to work out your salvation with fear and trembling. अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का काम पूरा करते जाओ. Paul is saying here, you have to maintain the salvation that you have received from God. और यहाँ पर पॉलुस कहता है कि जो उद्धार हमने परमेश्वर से पाया है, उस उद्धार को बनाए रखना है. Once saved is not saved all the time. Remember, my brothers. मेरे भाइयों, याद रखिए, एक बार उद्धार पाया तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा के लिए उद्धार पा लिया है. We will read one more text from writings of Paul. और आइए पॉलुस की पत्रियों में से एक और वचन हम पढ़ते हैं. 2 Timothy 4:7. दूसरा तिमोथियस 4:7. I have fought the good fight. I have finished the race that I have kept the faith. और वो कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ. मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है. मैंने विश्वास की रखवाली की है. Salvation, righteousness and faith, these words are interrelated. Sometimes they carry same meaning. और देखा जाए तो उद्धार, धार्मिकता और विश्वास, ये जो है कई बार एक दूसरे की जगह पर उपयोग किए गए हैं और इनका एक ही अर्थ माना जाता है. Righteousness or salvation is momentary and it is achieved in a minimum span of time. और देखा जाए तो धार्मिकता और जो उद्धार है, एक ही समय में पाया जाता है और बहुत ही कम समय में इसे हासिल कर सकते हैं. But salvation that we receive should be maintained as long as we live. लेकिन जब तक कि हम जीवित हैं, उद्धार और धार्मिकता को हमें बनाए रखना है. Let me explain this with an example. चलिए एक उदाहरण के साथ मैं आपको ये समझाता हूँ. My son was given a badge when he stood first in the class. That badge says first rank. और मेरे बेटे को जब वो अपनी क्लास में पहले रैंक में आया, तो उसे एक बैज दिया गया और उस पर लिखा था फर्स्ट रैंक. ही इज सपोज्ड टू पिन दैट बैज ऑन हिज शोल्डर्स as an honor for standing first in the class. और उसे उस बैज को अपने कंधे पर लगाना था क्योंकि वो उस क्लास में फर्स्ट आया था. In order to keep the badge with him throughout the academic year, और पूरे साल भर उसे उस बैज को अपने साथ रखने के लिए, he must maintain first rank in all the successive examinations. उसे आने वाली सभी परीक्षाओं में पहला रैंक बनाकर रखना था. If he fails to get first ranks in the successive examinations, he will lose that badge. और अगर वो आने वाली परीक्षाओं में पहला रैंक नहीं पाता है, तो वो उस बैच को खो देता है. In the same way, God has given us His righteousness and salvation. We have to maintain it as long as we live. और इसीलिए परमेश्वर ने हमें अपना उद्धार दिया, अपनी धार्मिकता दी है, और जब तक कि हम जीवित हैं, हमें इसको बनाए रखना है. In failing to do that, we will lose our righteousness और सेल्वेशन. और अगर हम इसे नहीं कर पाते हैं, तो हम अपने उद्धार को और अपनी धार्मिकता को खो बैठते हैं. हाउ टू मेंटेन द स्टेट ऑफ राइचियसनेस दैट गॉड इज ग्रांटेड टू अस. परमेश्वर ने हमें जो धार्मिकता दी है, उस धार्मिकता के स्तर को हम कैसे बनाकर रख सकते हैं? बाइबल गिव्स अस वेरी क्लियर आंसर फॉर दैट. बाइबल इसके लिए हमें बहुत ही स्पष्ट ऐसा जवाब देती है. वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू मेंटेन आवर राइचियसनेस In this presentation. इस प्रेजेंटेशन में हम ये सीखेंगे कि हम कैसे अपनी धार्मिकता को बनाए रख सकते हैं. Question arises immediately, what is to be done to maintain our righteousness that God grants us? तो सवाल तुरंत ही ये उठता है कि परमेश्वर ने हमें जो धार्मिकता दी है, उसे बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? Before we answer that question, we need to ask another question. And we have to answer it. और इसके पहले कि हम इस सवाल का जवाब दें, हमें एक और सवाल पूछना होगा और उसका जवाब देना होगा. What does separate God from man? परमेश्वर को मनुष्य से कौन सी बात अलग करती है? It is very easy to answer. और इसका जवाब देना बहुत ही आसान है. What does separate God from man? परमेश्वर को मनुष्य से कौन सी बात अलग करती है? We will read Isaiah 59 verse 2. हम यशया अध्याय 59:2 में पढ़ते हैं. But your iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden his face from you so that he will not hear. परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता. Before sin could enter into this world, God would come in the cool of the day and who is to talk to
एडम। इसके पहले कि संसार में पाप प्रवेश करता, परमेश्वर दिन के ठंडे समय आता और वो आदम से बातें करता था। बट व्हेन दे डिसओबेड गॉड्स कमांडमेंट दे हैव लॉस्ट द प्रिविलेज ऑफ टॉकिंग टू गॉड। लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का भंग कर दिया तो परमेश्वर से बातें करने का सौभाग्य वो खो बैठे। व्हेन एडम डिसओबेड गॉड्स कमांड द रिलेशनशिप दे हैव वाज लॉस्ट। और जब आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, उसे नहीं माना, तो परमेश्वर के साथ का उसका जो संबंध था उसने वो खो दिया। What is sin? पाप क्या है? Everyone who sins breaks the law. Transgression of law is sin. हर एक व्यक्ति जो पाप करता है वो व्यवस्था को तोड़ता है और व्यवस्था को तोड़ना ही पाप है। Why did Adam lose a relationship with God? क्यों आदम परमेश्वर के साथ के संबंध को खो बैठा? Because of sin. पाप के कारण ही। Breaking God's commandment is sin. परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ना ये तो पाप है। Bible is very clear on this. Bible इसके बारे में बहुत ही स्पष्ट है। So now we understand we have in order to keep the righteousness that God grants us, we should not do any sin. और इसलिए जो परमेश्वर ने हमें धार्मिकता दी है उसे बनाए रखने के लिए हमें पाप नहीं करना चाहिए। What is sin? पाप क्या है? Breaking God's commandments is sin. परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ना ही पाप है। What is our topic? हमारा विषय क्या है? We should remember the topic. हमें विषय को याद रखना है। How to maintain the righteousness? धार्मिकता को हम कैसे बनाकर रखें? We have to do God's will. Continuously. हमें निरंतर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करते जाना है। If you fall from doing God's will, we sin. अगर हम परमेश्वर की इच्छा से नीचे गिर जाते हैं, That is what happened to Adam. पाप करते हैं और यही तो आदम के साथ हुआ था। The first king of Israel, Saul, ruled 40 years over Israelites. और पहला राजा जो इसराइल के ऊपर था शाउल, उसने इसराइलियों पर 40 साल तक राज्य किया। There was no record of Saul sinning for 40 years when he was a king. और जबकि शाउल 40 साल तक राजा था, कहीं पर भी लिखा नहीं है कि उसने पाप किया। But he was found breaking God's commandment when he spared the best of sheep and cattle and everything which is good. और देखा जाए तो शाउल के बारे में इस तरह से लिखा गया कि उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, जब उन सारे शत्रु की चीजों को और सारी भेड़ बकरियों को वहां पर उसे मार देना था, उसने उन्हें बचा कर रखा। When God saw Saul's disobedience to his commandment, he grieved for making Saul king. और जब परमेश्वर ने देखा कि शाउल ने उसकी आज्ञा को तोड़ा है, उसे नहीं माना है, तो वो शाउल को राजा बनाकर पछताया। God despised Saul to be king for Israelites. और परमेश्वर ने शाउल को इसराइल के ऊपर में राजा होने से तुच्छ जाना। Because he broke the very straight and a simple commandment of God. क्योंकि उसने परमेश्वर की बहुत ही सरल और बहुत ही सीधी आज्ञा को तोड़ दिया था। Even Saul himself confesses that he sinned against God. और यहाँ तक कि शाउल खुद अंगीकार करता है कि उसने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है। We will read 1 Samuel chapter 15 verse 24. और आइए अब यहाँ पर पहला शमूएल अध्याय 15 वचन 24 में से पढ़ते हैं। Then Saul said to Samuel, I have sinned, I violated God's command and your instruction. शाउल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। Saul asked Samuel to go back with him to worship God. और यहाँ पर शाउल शमूएल से कहता है कि वो उसके साथ में आए और परमेश्वर की आराधना करें। But Samuel said, you broke God's commandment. God had rejected you. Therefore, I also rejected you. Therefore, I cannot come with you. और यहाँ पर शमूएल उससे कहता है कि तूने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया है, इसलिए परमेश्वर ने तेरा इनकार किया, इसलिए मैं भी तेरा इनकार करता हूँ, मैं तेरे साथ नहीं आऊँगा। Because of Saul's sin, God rejected him, and also Samuel rejected him. और पर शाउल के पाप के कारण परमेश्वर ने उसका इनकार किया और साथ साथ में शमूएल ने भी उसका इनकार किया। We may have a Christian experience of 30-40 years, but if you break God's commandment, God will tell the same things. हमारे पास में शायद 30-40 साल का ऐसा मसीह अनुभव हो सकता है, लेकिन अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं, तो हम पाप करते हैं। Do you understand what disobedience can do? क्या आप अभी समझ रहे हैं कि आज्ञा भंग करना क्या करता है? Disobedience will cause us fall into sin. आज्ञा भंग करने के कारण हम पाप में गिर जाते हैं। What is sin? पाप क्या है? Breaking any commandments of God is sin. परमेश्वर की किसी भी आज्ञा को तोड़ना पाप है। If we don't want to sin, we have to keep all the commandments. अगर हम पाप नहीं करना चाहते हैं, तो हमें सारी आज्ञाओं को मानना होगा। If we break any one of them, that is sin. और अगर हम इसमें से किसी को भी तोड़ते हैं, तो वो पाप है। God saved us.
परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया एंड गॉड गेव अस 10 कमांडमेंट्स टू वॉक अकॉर्डिंग टू देम और परमेश्वर ने हमें 10 आज्ञाएं दी है कि हम उसके अनुसार काम करते जाएं व्हेन वी वॉक अकॉर्डिंग टू देम और जब हम उसके अनुसार काम करते जाते हैं वी विल नॉट सिन तो हम पाप नहीं करेंगे वी कॉल देम स्टैंडर्ड ऑफ सैल्वेशन हम इसे उद्धार का स्तर कहते हैं दिस सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स विल शो अस स्टैंडर्ड ऑफ सैल्वेशन और ये जो स्तर निश्चित किए गए हैं ये तो हमें उद्धार का स्तर दिखाते हैं इक्लेसियासिस 12:13 सभोपदेशक अध्याय 12 वचन 13 देखते हैं नाउ ऑल हैज बीन हर्ड हियर इज द कंक्लूजन ऑफ द मैटर फियर गॉड एंड कीप हिज कमांडमेंट्स फॉर दिस इज द होल ड्यूटी ऑफ मैन सब कुछ सुना गया अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है फियर गॉड एंड कीपिंग हिज कमांडमेंट्स इज द होल ड्यूटी ऑफ मैन परमेश्वर का भय मानना और उसकी आज्ञाओं को पालन करना ये तो मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य है व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ मैन मनुष्य का कर्तव्य क्या है ड्यूटी ऑफ एवरी सेव्ड पर्सन इज टू कीप गॉड्स कमांडमेंट्स हर एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति का कर्तव्य यही है कि वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता जाए कमांडमेंट्स आर फॉर द पीपल हु आर सेव्ड और आज्ञाएं तो उन लोगों के लिए है जिन्होंने उद्धार पाया है कमांडमेंट्स आर फॉर द पीपल हु लव गॉड और आज्ञाएं तो उन लोगों के लिए जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं मेजोरिटी से वी डोंट कीप द लॉ बिकॉज We are not required of that. और बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम व्यवस्था को नहीं मानते हैं क्योंकि हमसे उसकी मांग नहीं की गई है One of the reasons people give, law cannot save us. And also it was abolished on the cross. Therefore, we are not required of it. और इसीलिए इसके पीछे एक कारण देते कहते हैं कि व्यवस्था हमारा उद्धार नहीं कर सकती है और साथ साथ में क्रूस पर तो वो पूरी कर दी गई है इसीलिए हमें उसे पूरा करने की जरूरत नहीं है। I agree for that. मैं उसके बारे में सहमत हूँ Law cannot save except grace through faith in Jesus. मैं ये बात मानता हूँ कि व्यवस्था उद्धार नहीं दे सकती है लेकिन केवल अनुग्रह के द्वारा विश्वास से हमने उद्धार पाया है In fact, no one was ever saved by keeping the law. और सच बात तो ये है कि कोई भी व्यवस्था को मानकर अब तक उद्धार नहीं पाया है If anyone tries to save himself by keeping the law, He will fall from the grace of Christ. अगर कोई भी ऐसा है जो केवल व्यवस्था के द्वारा उद्धार पाना चाहता है वो उद्धार नहीं पाएगा लेकिन केवल अनुग्रह के द्वारा विश्वास से वो यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाता है People who say we don't need to keep the law have a question for them. जो लोग ये कहते हैं कि हमें व्यवस्था को पालन नहीं करना है उनके लिए एक सवाल है Why did God ask people in Old Testament to keep the law? When it cannot save. जबकि परमेश्वर ने पुराने नियम में ये जानता था कि व्यवस्था उद्धार नहीं दे सकती है फिर भी उसने लोगों से क्यों कहा कि वो व्यवस्था को माने Why did God punish Israelites when they did not keep the law? और जब इसराइलियों ने व्यवस्था का पालन नहीं किया तो परमेश्वर ने इसराइलियों को क्यों दंड दिया Each time a person breaks one of the commandments, he sins. और जब भी कोई व्यक्ति एक भी आज्ञा को तोड़ता तो वो पाप करता है If he sins, He will fall from the righteousness. और अगर वो पाप करता है तो वो धार्मिकता से नीचे गिर जाता है That means when we do some wrong, we will fall from righteousness. That automatically tells we should keep the Ten Commandments. और जबकि हम पाप करते हैं तो अपने आप धार्मिकता से नीचे गिरते हैं और ये अपने आप हमें बताता है कि हमें 10 आज्ञाओं को मानना होगा Listen carefully. अब गौर से सुनिए When a man falls from salvation, he does not fall from grace of God. और जब कोई मनुष्य उद्धार से नीचे गिरता है, तो वो परमेश्वर के अनुग्रह से नीचे नहीं गिरता। If he repents of his sin and come back to God, God always ready to accept him. अगर वो अपने पापों से पश्चाताप करे और परमेश्वर के पास वापस आए, तो परमेश्वर हमेशा तैयार है कि उसके पापों को क्षमा करे और उसे स्वीकार करे। If a man continuously keeping breaking God's commandments and coming to God asking forgiveness, it will happen for some time. और देखिए अगर मनुष्य परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़े और उसके बाद में परमेश्वर के पास आकर उससे क्षमा मांगे तो ये कुछ समय तक हो सकता As he is doing continuously like this, और लेकिन जैसे वो ऐसे निरंतर करते चले जाता है, one day he will realize that he is committing sin. एक दिन वो जानेगा कि वो तो पाप कर रहा है He will break the God's commandments. He will not have any pain in his heart. और वो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ेगा और उसके दिल में उसके बारे में कोई दर्द भी नहीं होगा But breaking commandments will cause us a great damage for us. आज्ञाओं को तोड़ना हमारे जीवन में बहुत बड़ा नुकसान लेकर आएगा Breaking commandments result in losing eternal life. और आज्ञाओं को तोड़ने का परिणाम ये होगा कि हम अनंत जीवन Bible को खो talks बैठेंगे. About two important things. बाइबल दो महत्वपूर्ण बातों के बारे में कहती है How a sinner be saved?
कैसे एक व्यक्ति, एक पापी व्यक्ति उद्धार पा सकता है? By grace through Christ. मसीह यीशु के अनुग्रह के द्वारा. How a saved person should live. और एक उद्धार पाया व्यक्ति उसे कैसे जीना चाहिए? He has to walk according to the God's instructions. उसे परमेश्वर के निर्देश के अनुसार काम करते चले जाना है. When we want to live without sin, we should know what is sin. जब हम पाप के बिना जीना चाहते हैं तो हमें जानना जरूरी है कि पाप क्या है. God gave 10 commandments to show what is sin. परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी ताकि ये दिखाए कि पाप क्या है. Romans 7:7. What shall we say then? Is the law sin? Certainly not. Indeed, I would not have known what sin was without the law. तो हम क्या कहे? क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता. Law tells what is sin. व्यवस्था ही तो बताती है कि पाप क्या है. If we were not given 10 commandments by God, we would not have known what sin was and we will be doing sin without any knowledge of sin. अगर हमें 10 आज्ञाएं नहीं दी जाती तो हम ये नहीं जानते कि पाप क्या है और पाप के ज्ञान के बिना ही हम उस पाप को करते चले जाते. If you were not given the knowledge of sin, अगर हमें पाप का ज्ञान नहीं दिया जाता, Satan would have a great fun looking at us. तो फिर शैतान हमारी ओर देखकर मजाक उड़ाता. For God keeping us from not knowing what is sin. क्योंकि परमेश्वर ने पाप के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया है. But God in his mercy, he completely gave the knowledge of sin. लेकिन परमेश्वर ने अपनी दया में पाप के बारे में पूरा ज्ञान हमें दे दिया है. He repeated and reminded the knowledge of sin hundreds of times in his scriptures. और उसने बाइबल में, वचन में, यानी पाप के बारे में जो ज्ञान है वो सैकड़ों बार बताया है. All who say we don't keep the law, जो ये सब कहते हैं कि हम व्यवस्था को नहीं मानते, actually talking for Satan. वो तो सच में शैतान के लिए बातें करते हैं. Satan is using all educated people to push his agenda of no law. और यहाँ पर शैतान सभी पढ़े लिखे लोगों को आगे करते जा रहा है क्या, ताकि ये कहें कि कोई व्यवस्था है ही नहीं. Satan has a greater joy looking at many Christians because they are getting lost because of breaking the law, but they don't know it. बहुत से विश्वासी लोग जो कि व्यवस्था को नहीं जानते हैं और इसके कारण व्यवस्था तोड़ते हैं और वो रास्ते से भटक जाते, इस बात को देखकर शैतान खुश होता है. Now, devil is enjoying his highest pleasure by blinding the eyes of the most high qualified theologians in making them believe there is no law. और देखा जाए तो शैतान इन लोगों की आंखों को अंधा करते जा रहा है. बहुत से थियोलॉजियन इनके आंखों को अंधा करते जा रहा है इस बात पर, उन्हें ये विश्वास करवाने के द्वारा कि कोई व्यवस्था है ही नहीं. But God gave us perfect knowledge about sin in the Bible. लेकिन परमेश्वर ने बाइबल में हमें पाप के बारे में सिद्ध ज्ञान दिया है. If we can follow 10 commandments with the help of Holy Spirit, we will not commit sin. अगर हम पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा 10 आज्ञाओं को मानते चले जाएंगे तो हम पाप नहीं करेंगे. Every sin a man commits that comes under 10 commandments. हर एक व्यक्ति जो पाप करता है वो तो 10 आज्ञा के उस पाप के तहत आता है. So the law tells what is sin. और इसीलिए व्यवस्था में बताती है कि पाप क्या है. If you walk according to the commandments of God, अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार काम करते we चले don't जाएं, sin. तो हम पाप नहीं करेंगे. When we don't sin, we don't fall from the righteousness or salvation that God granted us. और अगर हम पाप नहीं करते हैं तो परमेश्वर ने हमें जो धार्मिकता और जो उद्धार दिया उससे नीचे नहीं गिरते हैं. We will read Psalms 119:1. और हम अभी इस समय भजन संहिता 119 वचन 1 पढ़ते हैं. Blessed are they whose ways are blameless, who walk according to the law of God. क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं. This verse says, the people who walk according to the law, their ways are sinless. और यहाँ पर ये वचन कहता है कि जो लोग परमेश्वर की व्यवस्था पर चलते हैं उनकी जो चाल चलन है वो पाप के बिना है, वो लोग खरे हैं. That automatically tells us who do not walk according to the law of God is sinful. यहाँ पर ये हमें अपने आप बताता है कि जो परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार नहीं चलते हैं वो पापी हैं. Let me read what greatest king of Bible David has to say about law of God. चलिए परमेश्वर की व्यवस्था के बारे में बाइबल में जो सबसे महान राजा था दाऊद, वो यहाँ पर क्या कहता है उसे हम पढ़ते हैं. Psalms 37:31. भजन संहिता अध्याय 37 वचन 31 में हम इसे पढ़ते हैं. The law of this God is in his heart, his feet do not slip. उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है, उसके पैर नहीं फिसलते. David is saying, if the law is in our heart, our feet do not slip.
यहाँ पर दाऊद ये कह रहा है कि अगर परमेश्वर की व्यवस्था हमारे दिल में है तो उस व्यक्ति के जिसके दिल में ये व्यवस्था है उसके पैर कभी नहीं फिसलते। That is very clear instruction what is sin. When we have the law in our heart, when we keep it, we do not sin. और ये तो बहुत ही स्पष्ट यहाँ पर निर्देश है कि पाप क्या है। जब हमारे दिल में परमेश्वर की व्यवस्था होती है तो हम पाप नहीं करते हैं। What is our topic? हमारा विषय क्या है? How to maintain the righteousness. कि हम धार्मिकता को कैसे बनाए रखें? We have to follow God's commandments in order not to sin. हमें पाप नहीं करने के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते चले जाना होगा। Let us find out what God says through the most humble person, Moses. और आइए हम देखते हैं कि सबसे नम्र व्यक्ति मूसा के द्वारा परमेश्वर क्या कहता है। Leviticus 18:5. लेविवस्ता अध्याय 18 वचन 5 में से देखते हैं। Keep my decrees and laws for the man who obeys them will live by them. इसलिए तुम मेरे नियमों और मेरी विधियों को निरंतर मानना, जो मनुष्य उनको माने वह उनके कारण जीवित रहेगा। This verse says the people who live according to the law will live by them. और ये वचन यहाँ पर कहता है कि जो लोग परमेश्वर की व्यवस्था को मानते हैं वो उसके द्वारा जीवित रहेंगे। Let us find out what Paul, who authored most of the whole New Testament books, says about law of God. तो चलिए आइए देखते हैं कि पौलुस, जिसने नए नियम की ज्यादातर किताबें लिखी हैं, वो परमेश्वर की व्यवस्था के बारे में क्या कहता है। It is very important to understand what is to live by commandments. और ये तो समझना बहुत ही जरूरी है कि व्यवस्था के द्वारा या आज्ञाओं के द्वारा जीने का मतलब क्या है। We will read Galatians 3:12. और हम गलातियों अध्याय 3 वचन 12 पढ़ते हैं। The law is not based on faith. On the contrary, the man who does these things will live by them. पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उसको मानेगा वो उसके कारण जीवित रहेगा। It's saying law is not based on faith, but the people who live by the Ten Commandments will live by them. और यहाँ पर ये कहता है कि ये विश्वास के आधार पर नहीं है, व्यवस्था विश्वास के आधार पर नहीं है, लेकिन जो 10 आज्ञाओं को मानते हैं वो उसके अनुसार जीवित रहेंगे। What does it mean that you live by commandments? आज्ञाओं के द्वारा जीने का मतलब क्या है? When you follow commandments, you will not sin. Therefore, you will retain in the righteousness that God granted you. देखा जाए तो जब आप व्यवस्था में बने रहते हैं, व्यवस्था के अनुसार मानते हैं, काम करते हैं, तो आप उस धार्मिकता में बने रहते हैं जो परमेश्वर ने आपको दी है। God grants his righteousness to everyone who comes to him. परमेश्वर के पास आने वाले हर एक व्यक्ति को परमेश्वर अपनी धार्मिकता देता है। But we have to carry that righteousness throughout our lifetime as long as we live. और जब तक कि हम जीवित हैं, हमें उस धार्मिकता को अपने जीवन में बनाए रखना है। Therefore, we have to understand one thing. और इसीलिए हमें एक बात समझना होगा। In order to maintain a righteousness that God gave to us, परमेश्वर ने हमें जो धार्मिकता दी है उसे बनाए रखने के लिए we should not sin. हमें पाप नहीं करना है। In order to not to sin, we should follow God's commandments. और हम पाप न करें इसलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते जाएं। When we follow God's commandments, we will never sin and we will remain in righteousness and salvation. और जब हम आज्ञाओं को मानते हैं तो हम पाप नहीं करेंगे और हम परमेश्वर की धार्मिकता और उसके उद्धार में हमेशा बने रहेंगे। God may give you more knowledge to understand what we have learned today. आज हमने जो कुछ भी सीखा है इसके समझने के लिए परमेश्वर आपको और भी ज्ञान दे। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Amen. आमेन। गॉड्स ट्रू लाइट, परमेश्वर की सच्ची ज्योति, ये आत्मिक प्रोग्राम आप इस चैनल पर हर गुरुवार सुबह 6:30 से 7 बजे तक देख सकते हैं। आपके संदेह, सलाह और सूचना के बारे में हमें बताइए, हम आपके लिए प्रार्थना करके आपको प्रत्युत्तर देंगे। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा पता है, गॉड्स ट्रू लाइट, होप सेंटर, कारूमंची रोड, वल्लूरु पोस्ट, पिन कोड 523272, ओंगोल, प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश, सेल नंबर 07093131171। आर एड्रेस गॉड्स ट्रू लाइट, होप सेंटर, कारुमंची रोड, वल्लूरु पोस्ट, पिन नंबर 523272, ఒంగోల్, ప్రకాశం డిస్ట్రిక్ట్, ఆంధ్రప్రదేశ్. ఆ ఫోన్ నంబర్ 7093131171.